Okay, let's go ahead and start this chapter again one more time this time and with full energy and with full enthusiasm. Let's go and start this particular chapter of Browning version. तो मैंने कुछ बातें अभी बताई थी आपको Browning version के बारे में. ये play है जो कि लिखा गया है सर टेरेंस डैटिंगन ने. इसमें जो कैरेक्टर है वो टैपलो है. टैपलो एक लड़का है, ठीक है, जो फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहा है और मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने उसको पनिश किया है, एक्स्ट्रा काम दिया है क्योंकि हिज वर्क इज नॉट बीन कम्प्लीटेड और प्लस उसको ये बात बोली भी गई है कि ही हैज बीन एब्सेंट लास्ट वीक. वो एब्सेंट भी था तो उसको कुछ टास्क दिया गया है और मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने कहा है कि 6:30 बजे शाम तक उसको पूरा वर्क कंप्लीट कर लेना है और 6:40 हो गया है और वो भागते भागते मिस्टर क्रॉकर हैरिस के घर पहुंच रहा है ताकि वो पूरा अपना पेंडिंग वर्क दिखा सके. तो उसके ऊपर ये पर्टिकुलर प्ले थी. हम यहाँ तक पहुंच गए थे. वी गोना गो एंड मूव फर्दर नाउ. आगे बढ़ते हैं, ठीक है. तो हमने ये देख लिया था, राइटर के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है. वर्क डन बाय. अब यहाँ पे ऑलरेडी आपका जो है वो 6:40 हो रहा था, ठीक है. इट्स ऑलरेडी बीन 6:40, ठीक है. 6:40 हो रहा था, ठीक है. एंड मुस्कान एंड ओके, इट्स ऑलरेडी बीन 6:40 एंड मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैजंट कम. मतलब उन्होंने खुद समय दिया है 6:30 बजे का बट मिस्टर क्रॉकर हैरिस अभी तक नहीं पहुंचे हैं स्कूल. अनदर टीचर जो फ्रैंक थे वो जो उसको साइंस पढ़ाते थे वो वहां पे आ जाते हैं, ठीक है. और वो टैपलो को देखे थे, वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस का वेट कर रहा है, ठीक है. वो टैपलो को कहते हैं ही शुड गो बिकॉज मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैजंट अराइव्ड सो फार. मतलब यहाँ पे कन्वर्जेशन होना स्टार्ट हो जाती है. टैपलो इतना डरा हुआ है मिस्टर क्रॉकर हैरिस से. आप मान लो कि डर के वजह से या मे बी बिकॉज ही इज लेट, दैट माइट बी द पर्टिकुलर रीजन और माइट बी द अनदर रीजन दैट आई मीन ही इज सो स्केयर्ड ऑफ मिस्टर टैपलो दैट ही वो 6:30 बजे के बाद भी वहां पे रुका हुआ है, ठीक है. एंड ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर, इज नॉट गोइंग एनीवेयर, वहां से जा नहीं रहा है, ठीक है. बिकॉज उसको वो पेंडिंग काम मिस्टर क्रॉकर हैरिस को दिखाना ही दिखाना है. अब 6:40 हो गए, यानी टाइम बीता चला जा रहा है और रात हो रही है. तो उसको वहां पे जो उसके साइंस के टीचर है फ्रांस, वो फ्रांस सर कहते हैं कि तुम अपने घर चले जाओ बिकॉज मिस्टर क्रॉकर हैरिस अभी तक नहीं आए, लगता है किसी काम में फंस गए हैं. बट वहां से वो हिलता नहीं है टैपलो, इतना खौफ है, इतना डर है उस पर्टिकुलर टीचर का. मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है. फ्रैंक को जेलसी भी होती है कि स्टूडेंट्स इतना डरते हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस को, ठीक है, इतना सम्मान करते हैं और उनको वो सम्मान नहीं मिलता है. बोलते हैं कि मिस्टर क्रॉकर के इतने फ्रेंडली ना होने के बावजूद, इतने स्ट्रिक्ट होने के बावजूद, ठीक है, फ्रैंक को ये लगती है कि मैं भी तो लोगों के साथ बॉन्डिंग बनाना कोशिश करता हूं बट इतना मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलती. बट मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने जो अपने स्टूडेंट्स के सामने बना रखी है दैट इज वेरी कमेंडेबल एंड अप्रिशिएटेड. He encourages टैपलो, वो टैपलो को कहते हैं कि मुझे और बताओ ताकि मैं मजाक बना सकूं मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में, कुछ ऐसा बताओ, कुछ मसालेदार बताओ कि ताकि मुझे एक पॉइंट मिले मिस्टर क्रॉकर हैरिस को ये डिफेंड करने के लिए कि मतलब मिस्टर क्रॉकर हैरिस एक अच्छे इंसान नहीं है. अब इसी के इतने ही में क्या होता है, इन द मीन टाइम मिसेस क्रॉकर हैरिस जो उनकी वाइफ रहती है वो वहां पे आ जाती है, ठीक है, और वो बताती है कि उनके हस्बैंड कहीं गए हैं किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए और उनको समय लगेगा, जब वो आएंगे मैं बता दूंगी कि तुम आपका टैपलो का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है. और टैपलो आया था घर पे, उसने पूरा काम दिखा दिया है, ठीक है. इसी के बीच में पूरा प्ले रोटेट करता रहता है, ठीक है. वो टैपलो को बोलती है कि तुम चले जाओ, ठीक है, बिकॉज मिस्टर क्रॉकर हैरिस है नहीं. बट टैपलो वहां से जाने के बाद तो सोचता ही नहीं है, वो वहां से हिलता नहीं है, ठीक है. वो वहां से कहती है कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, ठीक है, जितना भी ब्लेम है, जितना भी गुस्सा है वो मिस्टर टैप जो क्रॉकर हैरिस का वो सह लेंगी, ठीक है. और टैपलो को भेज देती है केमिस्ट पे चले जाओ और कुछ मेरे लिए दवा ले आओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है. तो क्लियरली ये पर्पस रहता है कि चीफ पर्पस रहता है मेडिसिन वहां से नहीं मंगवाना बट ये कहना कि उसको थोड़ा सा आराम दे दें, ठीक है, उसके दिमाग को सुकून मिल जाए, ठीक है, और थोड़े देर के लिए ही सही, ठीक है, उसको ये डर की भावना जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस के प्रति है वो रिमूव होती चली जाए, ठीक है. आगे बढ़ते हैं,
अब टैपलो कैसा है, व्हाट इज द कैरेक्टर स्केच ऑफ टैपलो? टैपलो एक टीनेजर है जो कि लोअर फिफ्थ ग्रेड का साइंस का स्टूडेंट है, जैसे मैंने आपको बताया, और वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस के अंडर काम कर रहा है, प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। हिज कन्वर्सेशन विद फ्रैंक गिव्स अ वाइड व्यू ऑफ हिज कैरेक्टर, मतलब जो उसकी कन्वर्सेशन हो रही है फ्रैंक सर के साथ वो उसके कैरेक्टर को दिखा भी रही है। ऑल्सो वो क्रॉकर हैरिस जो उसके सर है जिनकी बातें वो रिस्पेक्ट करता है और मानता है, उनके कैरेक्टर स्केच को भी वो बता रहा है, ठीक है। वो बताता है उनको क्या पसंद है, क्या डिसलाइक कर रहे हैं, ठीक है। वो बताता है कि वो स्पेशलाइजेशन साइंस में करना चाहता है, तो इसलिए वो साइंस को इंटरेस्ट से पढ़ता है और आर्ट्स को डिसलाइक करता है, ठीक है। उसकी उसका जो नेचर है बताता है बातों बातों में, क्रॉकर हैरिस के नेचर के बारे में बताता है, बड़ा ही स्ट्रेंज एटीट्यूड है, ठीक है। वो बोलते हैं कि ही प्रेजेंट, वो अपने व्यूज को अपने पक्ष को रखते हैं, ठीक है, बट फ्रैंक को लगता है कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में कर सकते हैं, कह देते हैं अपनी बात, तो ये बात एक लोगों को बुरी लग सकती है। वो इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं, बड़े ही स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, उनको ये सब बातें नहीं करनी चाहिए और थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस पे भी अपना काम करना चाहिए ताकि वो लोगों को समझ सकें और बेहतर जान सकें। तो ये परसेप्शन है जो किसके अंदर है, टैपलो के अंदर, ठीक है। फ्रैंक कौन है? फ्रैंक एक नया यंग टीचर है, ठीक है, और साइंस का ही है, ठीक है। इज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर, मतलब स्टूडेंट के बिहेवियर को एनालाइज करता है और उनके दिमाग को पढ़ता है, साइकोलॉजी पढ़ता है, ठीक है। ही इज हम्बल टुवर्ड्स हिज स्टूडेंट्स, ही हैज अ फ्रेंडली एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज स्टूडेंट। तो दोनों पक्ष हैं भाई। मिस्टर क्रॉकर हैरिस बड़े स्ट्रिक्ट है, ठीक है, बड़े ही रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके हार्श है, ठीक है, काफी चीजें वो थोपते हैं स्टूडेंट पर, स्टिल स्टूडेंट उनकी रिस्पेक्ट करता है और एक डर है। जबकि जो दूसरे टीचर है फ्रैंक, बड़े ही यंग टीचर है, ठीक है, स्टूडेंट्स के तरफ एटीट्यूड है, मतलब एज अ फ्रेंडली एटीट्यूड है, बिहेवियर साइकोलॉजी के पढ़ते हैं स्टूडेंट्स की, बट जितनी रिस्पेक्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस को मिलती है उतनी फ्रैंक को नहीं मिलती है, ठीक है। अब जो कन्वर्सेशन हुआ है उनका और टैपलो के बीच में, यानी फ्रैंक और टैपलो के बीच में, वो दिखाता है टैपलो बड़े ही कंफर्टेबल है डिस्कसिंग द मैटर, क्योंकि उनका एटीट्यूड ही ऐसा था फ्रैंक का, बिकॉज ही वॉज अ वेरी फ्रेंडली टीचर। तो वो टैपलो से बात करके निकलवाना चाहते हैं कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस के अंदर और क्या बातें हैं जो कि बच्चों को काफी पसंद नहीं है, और क्या क्या चीजें उनके बिहेवियर है टूवर्ड्स हिज स्टूडेंट्स। तो इवन दो फ्रैंक इज इजी इन हिज एटीट्यूड, ही इज नॉट द काइंड हु विल अप्रिशिएट सरकाज़म ऑन फेलो टीचर्स। अब देखो यहाँ बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है कि टैपलो एक ऐसा बच्चा है कि वो किसी टीचर के बारे में उल्टा सीधा नहीं सीखता, भले ही, ठीक है, भले ही नेचर ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस बड़े ही हार्श है और बड़ा ही स्ट्रिक्ट है, बट वो उनकी बुराइयां नहीं करना चाहता, ठीक है। वो सोचता है ऐसे करने से, हर का अपना नेचर होता है, हर का अपना परसेप्शन होता है, तो कोई टीचर बुरा नहीं होता, बस उसको हमको समझना चाहिए, ठीक है। He quickly points out to Taplow when Taplow get too carried away mocking Crocker Harris. Crocker Harris जो है वो बड़े ही हाईली डिसिप्लिन और प्रिंसिपल्ड है, मैं बताया उसूल के बड़े पक्के हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस। मिस्टर क्रॉकर हैरिस एक ऐसे टीचर है जो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन से और किसी भी सेंटिमेंट से। अगर बच्चा एबसेंट है तो क्यों एबसेंट है, एक रीजन होना चाहिए। अगर बच्चा के पास रीजन नहीं है तो देन ही नीड और शी नीड्स टू डू सम एक्स्ट्रा वर्क एंड हैड टू कंप्लीट द पेंडिंग वर्क इन टोटल। सो सम मे एग्री विथ हिज वे ऑफ थिंकिंग, अदर्स मे क्रिटिसाइज हिम ऑफ बींग टू फास्टिजियस, मतलब इतना रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करना चाहिए ये लगता है बच्चों को, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, सबको लगता है कि एक टीचर है जो कि बड़ी ही हार्ड है स्टूडेंट्स पे व्हेन इट केम टू स्टडीज। ही वाज नॉट ऑफ दोस टीचर्स हु वुड क्रैक रोमांटिक जोक्स इन द क्लास टू मेक स्टडीज फन, रादर हिज जोक्स वेर पुअर अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट टैपलो। टैपलो यहाँ पे बातों बात में कह भी देता है कि बड़े ही हार्ड है, बड़े ही स्ट्रिक्ट टीचर है, बाकी टीचर जैसे जोक करके और थोड़ा सा अच्छा माहौल बना के क्लास लेते हैं, उस तरह मिस्टर क्रॉकर हैरिस नहीं है, बड़े ही सीरियस है अपने काम को लेके, उनके जोक्स भी काफी पुअर रहते हैं जो कि समझ में नहीं आते हैं। इवन टैपलो ये भी बताता है कि कोई भी एक सिंगल स्टूडेंट नहीं मिलेगा जो उनको थोड़ा सा क्रिटिसाइज ना करे। मिली जो है, यानी वो मिसेस क्रॉकर हैरिस है, वो वाइफ है मिस्टर क्रॉकर हैरिस की, बहुत ही थिन विमेन है और अपने लेट थर्टीज में, यानी लेट थर्टीज का मतलब होता है 38, 39, 40 की उम्र की है। She dresses herself in a very smart clothes. She sees Taplow imitating her husband's voice. तो वो सुन लेती हैं कि उनकी नकल कर रहा है, ठीक है, और ज्यादा बच्चे को तकलीफ ना हो
वो वहां पहुंच जाती है, पता चला फ्रांस ने पूरी बातें प्रॉकर हैरिस को बताई तो काफी परेशानी टापलो को हो सकती थी. तो शी सीज टापलो इमिटेटिंग हर हस्बैंड्स वॉइस बट शी टेक्स इट लाइटली. शी फाइंड्स टापलो वेटिंग फॉर हर हस्बैंड. ठीक है, तो वो ये बात समझती है कि टापलो लाइक्स टू गो एंड प्ले विद अदर बॉयज. शी टेल्स हिम दैट हर हस्बैंड इज एट द बर्सर्स, मतलब किसी काम पे है. इट कुड टेक हिम अ लॉट फॉर देयर. Thus she indirectly hints to Taplow that he could go and play. Even then Taplow dare not to go. Itni respect hai Taplow ke andar, wo kitna samman karta apne teacher se. Aapko yahi samajh mein aa raha hai ki apna pending work jab tak wo dikha nahi leta tab tak wahan se hil nahi raha. Then she tends, unko pata hai ki Taplow kahin hilne wala nahi hai, to kuch der ke liye sahi wo kuch medicines lane usko bhej deti. ठीक है, हर चीफ पर्पस वॉज नॉट टू गेट द मेडिसिन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया. शी ओनली वॉन्ट्स टू हेल्प द पुअर बॉय एंजॉय हिज फ्रीडम फॉर सम टाइम एट लीस्ट. तो दिस इज द शॉर्ट प्ले विच इज रिटन बाई टेरेंस नाइटिंगेल, ब्राउनिंग वर्जन. थीम है एक कन्वर्जेशन है फ्रांस टीचर, जो एक फ्रांस सर का नाम होता है, टीचर का नाम रहता है, और उसके पांच फिफ्थ ग्रेड के टैपलो के बीच में है. प्रॉकर हैरिस के एटीट्यूड, उनके टीचर टीचिंग सेंस, उनकी रेस्पेक्ट के ऊपर बातचीत की गई है. और वहां पे जो मिसेस क्रॉकर हैरिस हैं वो उनके घर पे खड़ी हुई हैं, इनके घर पे अपने घर पे खड़ी हुई हैं, और वहां बीच में आ जाती हैं और इंटरप्ट कर देती हैं ताकि टैपलो वो वहां से चला जाए और वेट ना करे. ठीक है गाइस, तो यही सिंपल सी है. गाइस किसी को भी इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर में कोई डाउट है प्लीज मुझसे पूछ ले. जितना मैंने आपको बातें बताई क्या ये आप लोग क्लियर है? इज दैट क्लियर टू ऑल? Yes or no, maybe? Yes, sir. Perfect. Yes, sir. Perfect now.